इस वीडियो में हम डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। पहले पिछली वीडियो में हमने बताया था भी डोमेन क्या होती है किसी फंक्शन की। अगर इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, यहाँ पर जो एक्स आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगी, एक्स की वो वैल्यूज का सेट, एक्स की वो वैल्यूज का सेट जिसके लिए आपका वाई डिफाइंड हो, या कह सकते हो एफ ऑफ एक्स डिफाइंड हो। तो उन एक्स की वैल्यूज का जो सेट है वो इस फंक्शन एफ एक्स की डोमेन कहलाएगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहले भी बताया था भाई एक्स की वो वैल्यूज का सेट जिसके लिए आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, डिफाइंड है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि वाई इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है, एक्स में दिया है, तो आपका ये कब डिफाइंड होगा, जब एक्स किसके इक्वल ना हो, वन के इक्वल ना हो, क्यों, वन के इक्वल हुआ तो वन माइनस वन जीरो, वन बाय जीरो जो कि डिफाइंड नहीं है, या एक्स की वैल्यू टू आ जाए तब भी डिफाइंड नहीं है, एक्स की वैल्यू थ्री हो तब भी डिफाइंड नहीं है। इसलिए आपका फंक्शन डिफाइंड कब होगा, हर एक रियल नंबर पर होगा, सिर्फ इन तीन नंबरों को छोड़कर, वन टू और थ्री। तो ये जो सेट है आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन टू थ्री इज नोन एज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। उसके बाद मैंने कुछ आपके किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए मतलब उनकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए उनके बारे में यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू वन बाई एफ ओफ एक्स या कॉन्स्टेंट c बाई एफ ओफ एक्स, सी फॉर कॉन्स्टेंट, कोई कॉन्स्टेंट ऊपर, बाई एफ ओफ एक्स, इस टाइप का फंक्शन हो तो उसकी डोमेन निकालनी हो तो उसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, एफ ओफ एक्स जो नीचे टर्म लिखी है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो जो आपका डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल ना हो, जीरो के। जैसे कि यहाँ पर दिया ये ऊपर कोई कॉन्स्टेंट है वन या वन बाय एफ ऑफ एक्स, तो आप यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, जो आपका नीचे लिखा है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जीरो के इक्वल कब नहीं होगा, जब आपका एक्स वन टू थ्री के इक्वल नहीं होगा, मतलब एक्स वन टू और थ्री नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये इसकी डोमेन है। तो मतलब इस कंडीशन से आप डोमेन निकाल सकते हो। उसके बाद दूसरा है स्केयर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब रूट के अंदर की टर्म स्केयर रूट ऑफ एफ एक्स डिफाइंड तभी होगा जब आपका एफ एक्स नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्केयर रूट रियल नंबर नहीं हो सकता, मतलब डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दिया है स्केयर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वहां पर एफ एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव, मतलब एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसे कि आगे मैंने एक एग्जांपल लिखा है y इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्केयर, इसकी डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, रूट के जो अंदर की टर्म है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखा हमने आपका एक्स स्केयर उधर चला गया, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्केयर, मतलब एक्स स्केयर लेस देन इक्वल टू 16, और इस टाइप का क्वेश्चन आया था पहले, 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्केयर, मतलब एक्स स्केयर लेस देन इक्वल टू 4 का स्केयर, देन एक्स किसके किससे बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल माइनस 4 टू 4। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, इसकी इस आपके फंक्शन इसकी माइनस 4 क्लोज इंटरवल माइनस 4 टू 4। तो इस तरह से अगर रूट के अंदर कोई क्वेश्चन दिया है उसकी डोमेन निकालनी है तो जो रूट के अंदर टर्म लिखी है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद नेक्स्ट दिया है जैसे आपका वन बाय स्केयर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपको पता है ये कब डिफाइंड होगा, पहली बात तो जो नीचे की टर्म है वो जीरो के इक्वल ना हो, मतलब स्केयर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एफ ऑफ एक्स इज नॉट शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो और ये डिफाइंड कब होगा, रूट एफ ऑफ एक्स, जब रूट के अंदर की टर्म आपकी क्या हो, नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो हो नहीं सकता तो पॉजिटिव होगी, मतलब ये पूरा का पूरा आपका डिफाइंड कब होगा, जब आपका एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, क्यों, जीरो के इक्वल लिया तो वन बाय जीरो डिफाइंड नहीं आएगा। इसलिए जब डोमेन निकालोगे तो क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, यहाँ पर एफ एक्स शुड ग्रेटर देन
जीरो, इसे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। अब इस कंडीशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिया मैं, y इज इक्वल टू वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये चीज डिफाइंड कब होगी, जब आपका स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म क्या हो, एक तो पॉजिटिव, जीरो वैसे नहीं हो सकता क्योंकि वन बाय जीरो फिर डिफाइंड नहीं रहेगा, तो 49 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। माइनस एक्स स्क्वायर उधर लेंगे मतलब 49 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 49, 49 को क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर। अगर आपका एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर से लेस देन है तो ये चीज़ तो पॉसिबल तब है जब आपका एक्स किसके बीच में हो, माइनस 7 और 7 के बीच में, उन सभी का स्क्वायर क्या आएगा, 49 से लेस देन आएगा। तो मतलब आपका एक्स इस इंटरवल से ऊपर इंटरवल से बिलोंग करेगा और ये आपकी क्या आ जाएगी, डोमेन। उसके बाद फोर्थ आपकी जो दिया टाइप का फंक्शन है वो भाई वाई इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल टाइप का फंक्शन दे रखा है, वाई इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, जो आपका एक्स है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल ही आपका यहाँ पर क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो उसके बाद जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिया मैंने y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल, x माइनस टू फैक्टोरियल, तो आप यहाँ पर देखोगे आपने डोमेन निकालनी, मतलब ये डिफाइंड कब आएगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर की बजाय होल नंबर लिखोगे, x शुड बी होल नंबर, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल भी आपका क्या होता है, डिफाइंड किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल ही। तो आप देखोगे x माइनस टू को टू फैक्टोरियल, तो डोमेन ऑफ f कैसे निकालोगे, आपको पता है x माइनस टू फैक्टोरियल क्या होगा, होल नंबर होगा, मतलब x माइनस टू की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, x माइनस टू की वैल्यू वन हो सकती है। तो मतलब ये डिफाइंड कब आएगा, जब x की वैल्यू मतलब टू हो, थ्री हो, फोर हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, ना तो जीरो हो सकती, क्योंकि जीरो माइनस टू, माइनस टू फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं आएगा। वन लिया, वन माइनस टू माइनस वन फैक्टोरियल, वो भी डिफाइंड नहीं है, टू हो सकता है। तो मतलब आपकी यहाँ पर एक्स की वजह की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स की जगह आप ना तो जीरो लिख सकते ना वन लिख सकते, क्योंकि तो जीरो लिखोगे जीरो माइनस टू, माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा जो डिफाइंड नहीं है, वन लिखोगे वन माइनस टू माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, माइनस वन फैक्टोरियल भी डिफाइंड नहीं होता। टू लिखा, टू माइनस टू फैक्टोरियल कितना आ गया आपका, जीरो आ गया, जीरो फैक्टोरियल आपका डिफाइंड है, जीरो की इक्वल। थ्री लिया, थ्री माइनस टू वन फैक्टोरियल, आगे सभी डिफाइंड आ जाएंगे, मतलब आप सब एक्स के लिए डिफाइंड आ जाएगा, मतलब आपका एक्स की जगह क्या नहीं हो सकता, ना तो आप जीरो लिख सकते ना वन लिख सकते, तो मतलब हर एक होल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट जीरो और वन, मतलब जीरो और वन से आगे के जितने भी आपके होल नंबर आएंगे टू थ्री फोर फाइव सबके लिए ये क्या आएगा, डिफाइंड। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, ऑल होल नंबर एक्सेप्ट जीरो एंड वन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इस टाइप के फंक्शन दिए एफ ऑफ एक्स की जो पावर दे रखी है वन बाय टू एन, मतलब इवन एंथ रूट दे रखे हैं यहाँ पर। ये कब इवन एंथ रूट कब डिफाइंड होंगे, जब आपका ये जो बेस लिखा है एफ ऑफ एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव, मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसे आपका मान लिया यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन की जगह आपका टू है, तो इसकी पावर कितनी होगी, वन ले ली पहले, वन बाय टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट, वो कब डिफाइंड है, जो रूट के अंदर की टर्म क्या हो, नॉन नेगेटिव, ऊपर किया था ये रहा आपका। अगर टू लिया एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर वन बाय फोर या वन बाय सिक्स या वन बाय सेवन, इस टाइप के फंक्शन आ गए, सबके ये यूनिट रूट कब डिफाइंड होंगे, जब आपका एफ एक्स आपका क्या हो, नॉन नेगेटिव हो। अगर आपका और रूट पूछा गया है, जैसे एफ ऑफ एक्स की पावर कितनी आ जाए, वन बाय टू एन प्लस वन, तो आपका एफ ऑफ एक्स कोई भी रियल नंबर हो, सबके का जो ओड है, ओड रूट है, जैसे वन बाय थ्री, वन बाय फिफ्थ, वन बाय सेवन, सारे रूट क्या होंगे इसके, डिफाइंड होंगे। तो एफ एक्स शुड बी रियल नंबर, ये कंडीशन आ गई। तो इस तरह से ये आपकी छह कंडीशन है, और मतलब
आपके इस टाइप का कोई भी फंक्शन दे रखा है, उनकी डोमेन दे रखी है, तो उनकी डोमेन के निकालने के लिए जिसकी जो ये साइड में लिखी है ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। कुछ रिजल्ट करते हैं, जैसे एफ कोई फंक्शन है डी वन टू रियल नंबर, मतलब एफ फंक्शन की डोमेन जो दे रखी है वो डी वन दी है, और जी कोई फंक्शन है डी टू टू रियल नंबर, मतलब जी की जो डोमेन है वो डी टू दे रखी है। तो एफ प्लस जी या एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, जहाँ पर जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन सभी की अगर डोमेन निकालनी पड़ जाए तो उनकी डोमेन क्या आएगी, जैसे एफ प्लस जी, इन सबकी एक ही डोमेन आएगी डी वन इंटरसेक्शन डी टू, मतलब एफ और जी दो फंक्शन दे रखे, उनकी एफ की डोमेन डी वन है, जी की डोमेन डी टू है, तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, ये निकालो, कंडीशन दी है जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इन सबकी डोमेन क्या आएगी डी वन इंटरसेक्शन डी टू। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, इसकी आपने डोमेन निकालनी है, तो अगर डायरेक्ट डोमेन निकालने के लिए जाओगे तो बड़ा टिपिकल लगेगा आपको, तो हम क्या करेंगे, ये अलग फंक्शन है, ये अलग, ये ज्यूम कर लिया हमने, इसकी अलग से डोमेन निकाल लेंगे, इसकी अलग से डोमेन निकाल लेंगे, बीच में प्लस का साइन है, तो ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो इसकी डोमेन और इसकी डोमेन का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे हम यहाँ पर। जैसे डोमेन ऑफ रूट एक्स माइनस वन, आपको पता है ये कब डिफाइंड आएगा, रूट एक्स माइनस वन, जब जब रूट के अंदर की जो टर्म है एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू एक से ज़्यादा आएगी, तो मतलब डोमेन क्या आएगी, एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा सभी रियल नंबर्स। अब इसकी डोमेन निकालें, तो ये रूट के अंदर रूट सिक्स माइनस एक्स कब डिफाइंड होगा, जब सिक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब आपका एक्स लेस देन इक्वल टू किससे आएगा, सिक्स से, तो छः से कम, मतलब छः से कम सारे रियल नंबर सही हैं, छः या छः से कम। अब आपने डोमेन दोनों की निकालनी, तो दोनों मतलब टोटल की निकालनी, तो इनका इंटरसेक्शन करोगे, ये कह रहे हैं एक या एक से ज़्यादा आपके रियल नंबर, जैसे आपकी ये रियल लाइन है एक वन है, वन से ज़्यादा जितने भी रियल नंबर, ये कह रहे हैं विच सिक्स है, सिक्स या सिक्स से कम जितने भी रियल नंबर, तो आप देखोगे दोनों चीज़ों में कॉमन तो क्या है, वन टू सिक्स, वन भी इंक्लूड है और सिक्स भी, तो इसकी डोमेन वाई की क्या आ गई, क्लोज इंटरवल वन टू सिक्स, तो कह तो इस तरह से अगर यहाँ पर चाहे मल्टीप्लाई का साइन होता या डिवीजन का होता या माइनस का, सेम ही डोमेन आती है हर एक केस में। बस ये था भाई बाय के केस में, आपका सिक्स माइनस के सिक्स माइनस एक्स इसके इक्वल जीरो की इक्वल नहीं हो सकता, मतलब आपका एक्स यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं आता बस डोमेन में सिक्स के ऊपर। तो इस तरह से दो फंक्शन दे रखे हैं, कोई फंक्शन दे रखा है, अगर आप उसको दो टुकड़ों में आप देख रहे हो, दो फंक्शन का वो जो सम है, डिफरेंस है, मल्टीप्लाई है या डिवीजन है, तो उसकी जो डोमेन है इस वे से भी निकाल सकते हो, उनके अलग अलग पार्ट्स का निकालो और उनका इंटरसेक्शन कर दो। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ लॉग फंक्शंस, लॉग फंक्शंस की डोमेन निकालनी है अपने, तो उनके लिए कंडीशंस है, जैसे अगर आपका फंक्शन लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स या लॉग ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स इस टाइप का हो, तो वहां पर आपको क्या कंडीशन देखनी पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्यों, क्योंकि लॉग आपका डिफाइंड ही तब होता है जब लॉग के अंदर भी ये टर्म लिखी है एफ ऑफ एक्स जब आपका ग्रेटर देन जीरो। दूसरा है आपका, अगर आपका फंक्शन इस टाइप का आ जाए स्केयर रूट ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो उसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे, आपका जो रूट के अंदर टर्म है आपका एफ ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि रूट तभी डिफाइंड होगा रूट के अंदर की टर्म, अगर ये आपका जीरो से ग्रेटर देन है तो आपका एफ ऑफ एक्स शुड बी क्या होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, वन से, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ये ई की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो मतलब अगर ऐसा दे रखा है तो आप कह सकते हो यहाँ पर ये तभी इसकी डोमेन निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का है तो एफ ऑफ एक्स इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो इस वे से आप यहाँ इससे आप फिर क्या निकाल सकते हो, डोमेन, वहां से एक्स की वैल्यूज निकालनी है, उनका सेट आपका क्या कहलाएगा, डोमेन। अगर आपका फंक्शन इस टाइप का लॉग ऑफ मोड एफ ऑफ एक्स, तो ये आपका डिफाइंड तब होगा जब आपका
एफ ऑफ एक्स क्या हो, किसके इक्वल ना हो, जीरो के इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर जीरो हुआ लॉग जीरो डिफाइंड ही नहीं होता, नेगेटिव आया तो मोड है पॉजिटिव बना देगा। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या ध्यान रखना आपने, जो एफ ऑफ एक्स है शुड नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इस टाइप का दे रखा है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर बेस दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, ये ऊपर के जो पार्ट्स थे उनमें बेस नहीं लिखा है, इसलिए अंडरस्टूड है इनका बेस ई है। तो ये डिफाइंड कब होगा, जब आपका एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, दोनों जीरो से ग्रेटर देन हो, और जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वन सॉरी। क्यों? क्योंकि कल भी प्रॉपर्टी होती है आपकी, इसको अगर सिंपलीफाई करके लिखो तो क्या लिखोगे, अगर इनको बेस ई बढ़ाने आपने तो इसको लिखोगे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय में लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स। अब वो डिफाइंड लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स और लॉग ऑफ जी एक्स डिफाइंड तभी होंगे जब आपके एफ और जी दोनों पॉजिटिव होंगे, और नीचे वाली टर्म आपकी जीरो नहीं हो सकती, मतलब लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स जीरो नहीं हो सकता, मतलब जी एक्स वो जीरो कब आएगा, जब जी ऑफ एक्स वन के इक्वल आएगा, मतलब जी ऑफ एक्स वन के इक्वल भी नहीं आ सकता। इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ एक्स जी एक्स दोनों पॉजिटिव हो तभी लॉग वाली टर्म डिफाइंड होंगी। दूसरा आपका जी ऑफ एक्स अगर वन होगा, लॉग वन कितना होता है जीरो, तो ये डिफाइंड नहीं रहेगा, इसलिए जो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल नहीं हो सकता वन पे। तो आपके ये लॉग वाले फंक्शन हैं, उनकी डोमेन निकालने के लिए आपकी ये कंडीशंस हैं, तो उनके लिए टेबल बनाई गई है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय सिक्स है, इसकी डोमेन निकालनी है। तो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, आप देखो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया, तो ये तब डिफाइंड होगा जब जो रूट के अंदर टर्म लिखी है वो किससे ग्रेटर देन हो, जीरो से, मतलब आपका फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय सिक्स ग्रेटर देन किससे हो, जीरो से। आपका सिक्स उधर जाकर जीरो हो जाएगा, मतलब फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, जो या कह सकते हो माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो साइन की डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है, नेगेटिव नंबर नेगेटिव रियल नंबर से अगर इनइक्वालिटी दे रखी है मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मैंने इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आगे आ गया माइनस फाइव एक्स, साइन की डायरेक्शन चेंज होगी लेस देन जीरो। दोनों से एक्स कॉमन निकाल लिया तो एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव लेस देन जीरो हो गया। तो आप देखोगे एक्स की ऐसी क्या वैल्यू लें ताकि इन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई जीरो से कम हो जाए, तो आपके x की वैल्यू 0 और 5 के बीच में आएगी। ये निकालने का तरीका आपका आगे चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन, वहाँ पर करोगे। यहाँ से क्या करो, आपके जितने लीनियर फैक्टर हैं वहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, यहाँ 0 के इक्वल रख कर x की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से तो x की वैल्यू 0 ही आ गई, क्योंकि 0 के इक्वल लेना तो x की वैल्यू 0 ही आई। x माइनस 5 को 0 के इक्वल लें तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो आपके तीन इंटरवल बन गए पूरे रियल लाइन के। तो आप देखोगे इस इंटरवल में 0 और 5 के बीच में कुछ भी रखें वो इस इनइक्वेशन को इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, जैसे 5 से ग्रेटर देन कुछ भी वैल्यू रखा, 6 रखा, 6 माइनस 5 पॉजिटिव आया, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू, इसमें नेगेटिव आएगी और इसमें पॉजिटिव आएगी, तो मतलब कह सकते हो अल्टरनेटली सेम आएंगी। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर लेस देन का साइन है तो एक्स की वैल्यू इसी इंटरवल में आएंगी 0 और 5 के बीच में, 0 और 5 के बीच में कुछ भी रखो सारे सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 4 रखा, 4 रखे यहाँ पर, 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 4, नेगेटिव वैल्यू आ गई, और लेस मतलब फिर लेस देन किससे आ गया, नेगेटिव है तो 0 से, तो एक्स की वैल्यू जब इसके बीच में होगी तो वो इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है लॉग ऑफ ये कौन सी टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको डोमेन निकालने के लिए कंडीशन क्या है, एफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 टू माइनस 3 एंड 3। तो कह सकते हो आपके एक्स की वैल्यू माइनस 3 और प्लस 3 नहीं आ सकती, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो डोमेन क्या आ गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 3 एंड
थ्री। अब यही क्वेश्चन है, ये इसके रूट का साइन सारे के ऊपर आ जाए, मतलब आपका क्वेश्चन हो जाए लॉग ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6, पूरे के ऊपर रूट का साइन आ जाए, तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। डोमेन निकालने के लिए कंडीशन क्या है, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपका fx ये है अभी 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6, इससे ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, 1 से ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई में एक साइड में कर ली, ये लीनियर इनइक्वालिटी बन जाएगी, फैक्टर बना दिया अपने। आप देखोगे वही तरीका इसका, लीनियर फैक्टर है, 0 के बराबर रखा x की वैल्यू 2 आ गई, इसको 0 के बराबर रखा x की वैल्यू 3 आ गई। तो इन दो रियल नंबर्स में पूरी रियल लाइन को तीन इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, तीन से ज्यादा कुछ भी रखो, जैसे 4 रखा, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव इन टू पॉजिटिव, तो मतलब 4 इधर है, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, इसमें नेगेटिव आएंगी, इसमें पॉजिटिव आएंगी। साइन किसका है, लेस देन इक्वल का, मतलब नेगेटिव है, तो आपका नेगेटिव इंटरवल शो करेगा इस यहाँ पर एक्स की वैल्यू। नेगेटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 3 तक है, और इक्वलिटी का भी साइन है, तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी, 2 और 3 के बीच की अगर वैल्यू लेंगे तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यही आपकी डोमेन आ गई। तो आप पहले जो कंडीशंस हैं, मैंने आज ये कंडीशंस करवाई हैं, आप ये करो, कल को इससे रिलेटेड और आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।